सारा पानी पी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे इतना सारा फिश अभी फ्राई हुआ है, तो यहाँ दो जन से नहीं हो रहा था, तो यहाँ आरव के पापा भी आ गए और सबको एक और बंदा भी है जो सबको मिल के इसको अच्छे से सेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत भारी है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है और आज हमारे घर में कुछ हो रहा है काम। काम बोले तो जैसे कि हमारा चापाकल जो था, आपने देखा ही होगा, उसमें पानी बहुत गंदा आता था, तो हम लोग पानी खरीद के पीते हैं। बस उस पानी का इस्तेमाल हम लोग कुछ नहाने वहाने में, कपड़ा धोने या बर्तन धोने में करते हैं। तो आज हमारे घर में लगा है मिस्त्री, और चलिए दिखाते हैं। अभी पूरा चापाकल को वो लोगों ने पार्ट पार्ट में खोल दिया है और आरव और छोटा बाबू वहीं पर बैठे हुए देख रहे हैं, उनको मजा आ रहा है। और चलिए हम आपके साथ भी शेयर करते हैं और चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मिस्त्री लोग आए हुए हैं और चापाकल को पूरा पार्ट पार्ट में खोल दिए हैं और उसको ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं पानी हमारा साफ़ होता है कि नहीं होता है। या आरव, छोटा बाबू, बजरंग सबको ही बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि दो लोग लगे हुए हैं, तो ये जो हैंड से जो पहले पंप बनाया जाता था वही लोग हैं। तो बस देख, आपने देखा कि अभी हमारा चापाकल का काम शुरू हो चुका है और अभी दीदी का फ़ोन आया था। दीदी मतलब कि इनकी, मेरे हस्बैंड की दीदी, तो दीदी का कॉल आया था। दीदी बोली कि आज इनके यहाँ जो तालाब है वहाँ पे फिश पकड़ाया है, तो अभी जाने वाले हैं हमारे भांजा फिश लाने के लिए। फिश लेके आते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे फिश कितना मिलता है और कौन सा फिश मिलता है। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। वीडियो में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। लाइक, शेयर और कमेंट करना तो जरूरी है, वो तो आपको करना ही होगा। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। सारा पानी पी जाएगी, तो यहाँ देख सकते हैं फिश लेके भांजा आ गए हैं। लमसम लमसम 2 किलो का फिश है और ये कुछ कुछ नाम है, भेटकी फिश, सिल्वर फिश, तो वो सारे फिश हैं। यहाँ छोटा बाबू और आरव बहुत मजे कर रहा है और सब मिलके साफ भी कर रहे हैं। खरीदे क्या ना बुआ? बुआ गिफ्ट की। तो आज हमारे घर में बहुत सारा फिश आया है। आरव की बुआ बहुत सारा फिश दे के भेजी है क्योंकि उनके यहाँ तालाब है, तो वहाँ पे तालाब में फिश पकड़ाया, तो बस आरव और बुगू के लिए। अरे भाई, मेरे बच्चे थोड़ा भी नहीं डरते हैं फिश से। चलो, तो दोस्तों यहाँ पे इतना सारा फिश हमारा बजरंग ने, आरव, कुकू ने, सबने मिलके धोया और अभी हम कढ़ाई चढ़ा रहे हैं, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फ्राई करके तो कुछ रख देंगे अभी और फिर बाद में उसका ग्रेवी बनाएंगे। और यहाँ बच्चे लोग मेरे परेशान हो रहे हैं। 400 रुपए में 2 बच्चे है, मेरा कीमती अनमोल रतन है ये लोग। तो बच्चे लोग ऐसे मस्ती कर रहे, शाम का टाइम है और जैसे दीदी भी फिश दे के भिजवा दी, तो सोचे चलो फ्राई करते हैं, शाम के टाइम में ही थोड़ा सा सब खा लेंगे और फिर रात में कुछ करते हैं, ग्रेवी वगैरह बनाएंगे रात में। तो अभी चलते हैं और जा रहे हैं अपने काम पे लगते हैं। तो इसमें हम डाल रहे हैं हल्दी, और जैसे कि फ़िश है तो ज़्यादा सही इसमें हल्दी डालना पड़ेगा। बहुत सारा फ़िश हमको लग रहा है, लगभग 2 किलो 2.5 किलो के लमसम का फ़िश है, तो इसमें ज़्यादा से हल्दी डालते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और एक हमने पूरा ये गोटा फ़िश रखवा लिया है, इसको हमने स्लाइसेस नहीं करवाए हैं क्योंकि आरव को बहुत पसंद है ऐसे। पिछली बार हमने उसको तवा में फ्राई करके दिया था तो उसको बहुत अच्छा लगा था, इस वजह से इस बार वो अपनी पसंद के लिए एक ऐसे फुल फ्राई। जल्दी से जल्दी इसको फ्राई करते हैं, ठीक है ना? ताज होने वाली है। बाप रे, इतना तू अकेले खा लेगा? हाँ। ये पूरा तू अकेले खा लेगा? हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे आरव बोल रहा है कि जो प्लेट में मैंने निकाला है वो सारा आरव अकेले खा लेगा। हाँ। और हम ये जो प्लेट में निकाले हैं, हम सोचे कि ये तुम और तुम्हारे पापा और बुब्बू तीनों मिल के खाएगा, ऐसा नहीं है, तुम अकेले खा लेगा। हाँ, ये और पापा और बुब्बू। हो भाई साहब, तो ऐसा होने वाला है, अभी कंपटीशन देखते हैं। और ये जैसे मैंने बोला कि पूरा गोटा रखा हुआ है हमारे, क्योंकि ये आरव को पसंद है तवा फ्राई, इसी वजह से। तो अभी हम इसको जल्दी से फ्राई करते हैं क्या? हाँ, फिर हम बूटी बूटी करके खा जाएंगे। अभी फिश फ्राई बन रहा है ना, तो कुरकुरे क्यों? कुरकुरे नहीं, नहीं 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 नहीं। तो देखिए ऐसे जिद करता है मेरे सामने, पेट में नहीं, पेट दर्द कर रहा है ना मेरा आज।
तो यहाँ हमारा फिश फ्राई हो रहा है और यहाँ मेरा चटोरा आ गया, छोटू चटोरा फिश लेने के लिए। यहाँ पे आरव छोटा बाबू थोड़ा फिश खा रहे हैं। पापा आएंगे तब तक रहेगा ना? तुम बोले कि आज पापा के साथ तुम चैलेंज करेगा। ये वाला मेरा, ये वाला तो प्लेट में तो दोस्तों यहाँ पे इतना सारा फिश अभी फ्राई हुआ है, इतना सारा अभी भी बचा हुआ है फ्राई करने के लिए। सोची थी कि अभी आधा फ्राई कर, तो यहाँ दो जन से नहीं हो रहा था, तो यहाँ आरव के पापा भी आ गए और सबको, एक और बंदा भी है जो सबको मिलके इसको अच्छे से सेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत भारी है। तो फाइनली हमारा चपाकल का काम हो गया और यहाँ देख सकते हैं पानी तो निकल रहा है, हम आपको बाद में दिखाएंगे कि साफ पानी निकला कि नहीं निकला। छोटा बाबू हैं आधा थोड़ी देर बात करेंगे, पर फिर लगा कि नहीं करना तो मुझे ही है, तो अभी करूँ या बाद में करूँ, तो पूरा कंप्लीट कर अभी, मतलब फिर से साफ करना पड़ेगा। चलिए आपको रूम दिखाते हैं, बच्चे लोग मेरा एकदम रूम का तो सत्यानाश करके चले जाते हैं, तो कुछ भी सही से नहीं है। अभी सब कुछ अच्छे से अरेंज करना है, खाना भी बनाना है, और जैसे कि कराया था तो इसका हमने पलस्तर भी करवा दिया है, तो ये रहा फेंसिंग, पलस्तर भी हो चुका है और अभी इसका कुछ सोचे हैं, देखते हैं क्या हो पाता है नहीं हो पाता है। तभी बहुत सारा काम हमारे सपनों के आशियाना में हो रहा है, होना बाकी है, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा दोस्तों तो पता चलेगा कि अभी हम लोग और क्या क्या करने वाले हैं, क्या करवाने वाले हैं। और जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कंटिन्यू वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, तो कंटिन्यू वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि तो अच्छे से आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वीडियोस बना के डालते भी हैं तो आप लोग सही से उसको मतलब देखते नहीं हैं, सब स्किप कर देते हैं या फिर बीच में ही वीडियो को बंद कर देते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। और दूसरी बात कि अभी आरव के पापा का तबीयत अच्छे से नहीं हुआ है सही, क्योंकि डेंगू हो गया था इनको, तो डेंगू का असर रहता है, 15-20 दिन हो चुका है लेकिन अभी भी इनका मतलब तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। और से मतलब इतने दिनों से कुछ भी हम लोग स्पाइसी बनाए नहीं थे, तो आज दीदी फिश भेजी तो बोले चलो आज फिश फ्राई करते हैं, देखते हैं आरव के पापा खाते हैं कि नहीं खाते हैं। सोचे तो हैं कि उनको एक दो पीस खिलाएंगे, आगे देखते हैं, वो उनको पसंद आएगा तो वो खाएंगे, नहीं मन करेगा तो जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि बच्चे लोग भी चले गए और आज सुबह से बहुत सारा काम भी हो गया, चापाकल भी हमारा लगभग ठीक हुआ, पानी कैसा आ रहा है वो तो कल पता चलेगा। तो मतलब अभी शाम का टाइम है, थोड़ा सा रूम साफ़ करते हैं, संध्या आती करते हैं और वीडियो को आज हम यही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें, प्लीज़ आपके सब्सक्राइब की और आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें।